इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, कपिल मिश्रा के बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बेहद सख्त है। सख्त टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से की गई है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जिनकी ओर से भड़काऊ बयान दिया गया था, कहा था कि ट्रंप के आने तक तो ठीक है, वरना हम देख लेंगे। अपराध का खुलासा होने पर FIR दर्ज होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से ये सख्त टिप्पणी की गई है कपिल मिश्रा पर। कपिल मिश्रा जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए, लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा था कैसे भड़काऊ बयान उनकी ओर से दिया गया था। और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है अपराध का खुलासा होने पर FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है, ये भी कोर्ट की टिप्पणी है। कपिल मिश्रा के भाषण के दौरान मौजूद अधिकारी कौन था, ये भी सवाल दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पूछा गया है। और साथ ही इस बात का जिक्र किया गया है कि 1984 जैसे हालात दिल्ली में नहीं बनने दे सकते हैं। हालात नियंत्रण में कैसे आएंगे, सरकार फुल एक्शन में है, उसके बावजूद स्थिति पर अब तक कंट्रोल क्यों नहीं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन दिल्ली इंतजार में है ताकि यहां पर लगी आग ठंडी हो सके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।